अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है मैं आज आपको बताऊंगा। आपकी माली हालत कैसी रहेगी, कौन सा व्यापार करेंगे, किस व्यापार से आज आपको लाभ मिलेगा, मन पर कैसे नियंत्रण रखें। कई बार क्या होता है कि मन कहते हैं कि मन के हारे हारे, मन की जीते जीत। जो व्यक्ति मन से जीत गया वह सफल होता है, जो मन से हार गया वो हार जाता है। तो मन को एकाग्र करके अपने मन पर विजय प्राप्त करने की जरूरत है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और आज आपको सरकारी फील्ड में नौकरी मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे, या एजुकेशन के फील्ड में कुछ बड़ा करने वाले हैं, या राजनीति के क्षेत्र में कुछ बड़ा करने वाले हैं, सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। आपकी पदोन्नत कैसी होगी, अपने लोगों के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, आपके पुराने मित्र मिलेंगे उनसे क्या लाभ होगा, क्या नुकसान हो सकते हैं, सारी बातें बताऊंगा। और जो कार्य की प्लान कर रहे हैं वो आपके लिए शुभ है या नहीं है, इस पर भी आज हम आपसे बात करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि आप क्या सावधानियां बरतिए, उपाय क्या करना है, और आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा आपके, और कैसे आप कार्य करें जिससे आपको बड़ी सफलता मिले, उसके बारे में भी आज हम आपको बताने वाले हैं। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। जो कर्क राशि के जातक है उनके लिए आज का दिन थोड़ा सा मानसिक रूप से उद्विग्नता रहेगी, मन आपका तनाव में रहेगा, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान रहेंगे। तो अगर किसी भी कार्य को करना है तो मन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी होता है, एकाग्रता बनाए रखें और भगवान शिव की आराधना करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए अपने को एकाग्र करें। और जो भी आपकी इच्छा होगी वो पूरी होगी, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। अगर आपने जो प्लान किया उस प्लान में भी आपको सफलता मिलेगी। सरकार से यदि आपने किसी प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए या किसी तरह की चीज़ के लिए सरकार से अगर आप डिमांड कर रहे हैं तो आज सरकार से आज आपको लाभ मिलेगा। आपके रोग और शत्रु परास्त होंगे, माता पिता का सुख मिलेगा, नए तरह के कार्य करने से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने का टाइम आ गया है, अपने भाग्य को बदल सकते हैं, मेहनत करने की जरूरत है, आलस में अपना समय बर्बाद ना करें। और किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना आपके लिए घातक हो सकता है, तो अंधविश्वास करना और अंधभक्ति करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, तो इतना किसी पर न विश्वास करें और न किसी से विवाद करें। समभाव रखना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। माता का सुख मिलेगा, माता की कृपा से बहुत सारे कार्य आपके हो जाएंगे। पिता का सुख मिलेगा, पिता के का भी कृपा पर प्राप्त होगा, और भूमि भवन भी खरीद सकते हैं, उसका भी प्रबल योग बन रहा है। माली हालत आपकी बहुत अच्छी होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, धन धान की स्थिति आपकी अच्छी होगी, धन के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। यदि आपका धन पैसा कहीं रुका हुआ है तो उसको मिलने की संभावना बन रही है। कोई भी पुराना मित्र मिलेगा जिससे मन आपका प्रफुल्लित रहेगा, और नए तरह के कार्य हो सकते हैं जो बहुत दिन से चिर प्रतीक्षित है। अपने इमोशंस पर नियंत्रण करने की जरूरत है, कई बार आप बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाता है। कई बार अपने संबंधों से में रिश्ता बिगाड़ लेते हैं, वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो रिश्तों की कद्र करें और संबंधों की इज्जत करना अगर कोई सीखे तो आपसे सीखे, तो ये सब चीजें भी करना जरूरी है। आपके को आज सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको क्या करना है कि कोई भी काम इमोशंस में आकर ना करें, और किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करना नहीं करना चाहिए। ब्लाइंड ट्रस्ट तो आपके लिए घातक हो सकता है, तो इससे आज आपको बचने की जरूरत है। आज आपको उपाय क्या करना है, आज आप क्या करें कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और चंद्रमा को गाय के दूध से अर्घ दें। मंत्र लिख लीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह श्री चंद्रमा से नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए बेहतर होगा। आपके लिए शुभ अंक है 7 और शुभ रंग है सफेद। हरे कृष्ण।